अस्सलाम अल्लामकम क्या हाल है आप सबके उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे आज का जो ये मेरा व्लॉग है ये कोई कुकिंग का नहीं है मैं आज आप लोगों के साथ में कोई रेसिपी शेयर नहीं करी है लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमने हमारा वीकेंड जो है वो किस तरीके से बिताया है तो बने रहिएगा मेरे साथ में तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग ये जो मेरा व्लॉग है ये है संडे का व्लॉग मतलब ऑलमोस्ट एंड ऑफ द वीकेंड तो इसमें ये था कि हम काफ़ी ज़ोरों शोरों से सुबह का नाश्ता हमने कर लिया था और 11 बजे का टाइम हो रहा था तो फिर मैंने बच्चों को थोड़ा सा फ्रेश किया और उनके साथ थोड़ा सा मैं थोड़ी देर खेल रही थी तो बस बच्चों के साथ में आपको पता ही है कि बस टाइम कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता बस यही वो टाइम है जब हमने अपने आप को और बच्चों को भी ये यादें होती हैं मेमोरीज होती हैं जो हम अपने बच्चों के साथ में गुजारते हैं थोड़े बहुत तो उसको कैप्चर करते हैं और मेरा ये एक थोड़ा सा मानना है कि अगर हम बच्चों की थोड़ी थोड़ी सी क्लिप जो है अगर हम शेयर कर लें तो कल को जब वो बड़े होंगे ना तो उनको दिखाने में भी हमें इजी होगा कि देखो हम लोगों ने आप लोगों के साथ में टाइम गुजारा है जैसे कभी कभी बच्चे कहते होते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है तो इस तरीके से ये उनको दिखा ये दिखा ये किया है तो बस ऐसे ही हम लोग निकल गए थे हस्बैंड ने कहा चले आज हम लोग ज़रा बस में निकलते हैं आज तो ये भी एक चीज़ होती है कि जो बच्चे यहाँ यूके में यूएस कनाडा कैनेडा में रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कार में जाने के शौकीन होते हैं सबके पास अपनी कार होती है और वो कार में ही जाना पसंद करते हैं लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हम थोड़े से डिफरेंट नेचर के हैं जैसे आप लोगों को पता है हम लोग बैक होम से आए हैं जो एशियन कंट्रीज़ हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ से जैसे लोग आते हैं लेकिन हमारा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मानना है थोड़ी डिफरेंट मैंटेलिटी है कि बच्चे जो हैं उनको हर चीज़ का एक आदत होनी चाहिए हर चीज़ की ताकि उनके अंदर एक वो आ, को कहते हैं ना कि जैसे डाउन टू अर्थ हों जैसे तो इस तरीके के जो है बच्चों को एक अंदर उनके अंदर होना चाहिए वैसे तो इन मुल्कों में ख़ास तौर से मैं यूके का ही कहूँगी मुझे आ, कैनेडा और अमेरिका का तो नहीं पता है लेकिन यह है कि यू के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े बहुत ज़रा डाउन टू अर्थ होते हैं हम्बल होते हैं थोड़े वो उनके अंदर पेशेंस बहुत होता है सब्र बहुत होता है उनके अंदर तो अब ये देखें ना कि मेरे हस्बैंड और मैं हम लोगों का ये है कि नहीं हर बार कार में नहीं जाना है कभी हमने ये होता है कि हम बच्चों को ख़ास तौर से हम उनको बस में लेके जाते हैं ताकि उनको एक आदत हो कि वो ना ये हमेशा ये कि नहीं हमें कार में ही जाना है कई बच्चों को हमने देखा हुआ है कि वो ज़िद करते हैं कि नहीं कार है तो कार में ही जाएंगे बस में नहीं जाएंगे ये बैक होम में भी ये आदत होती है बच्चों की कि नहीं इस तरीके से हमने जाना है तो नहीं कार है तो कार में ही जाएंगे लेकिन हम इनको कार में भी ले जाते हैं और बस में भी इनको ले जाते हैं इस तरीके से तो ये देखें हम लोग आ गए थे यहाँ रेस्टोरेंट में तो हमने बस ऑर्डर किया था तो वो पापड़ आ गए थे तो बच्चों को पापड़ बड़ा पसंद है हम आ गए थे आ, सिटी रोड पे ये बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है आ, मिर्ची कुजीन आ, ये बहुत अच्छी रेस्टोरेंट इनका खाना सब कुछ बहुत अच्छा होता है तो आ, ये देखें कैसे बच्चे बड़े खुश खुश हो के और सारा कुछ खा रहे हैं अभी तो ये स्टार्टर ही था समझो और बस ये रामीन को देखिए कितने आराम से एंजॉय कर रही है खाने को उसके बाद जो है हम आगे थे यहाँ पे आ, ये दूसरे दिन की क्लिप है आ, बच्चों की ना छुट्टी थी तो हम जो है फिर पार्क में आ गए थे हस्बैंड ने कहा कि चलो है ना हम चलते हैं पार्क में बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे तो हम जब भी जैसे कभी तेज़ धूप होती है या वेदर अच्छा होता है जैसे बारिश का कोई ठिकाना ना होता ना तो फिर हम यहाँ आ जाते हैं हमारे घर के पास में ही है अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अच्छी है यू में Og Foodshop og Blidground. स्कूल ये सारे हर एरिए के हिसाब से है ना बिल्कुल पास पास होते हैं और आप देखें ये बिल्कुल खाली है इस टाइम पे तो सुबह और थोड़ा सा सुबह का टाइम था तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और इतना मज़ा आ रहा था ना बच्चों के साथ में और इस तरीके से जब आप बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं उनकी एक्टिविटी में उनके साथ होते हैं ना तो उनको ये फील होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें साथ साथ लेके चल रहे हैं यानी कुछ कुछ घरों में मैंने ये भी देखा है कि जो वाइफ है वो बेचारी जो है वो पूरा टाइम जैसे बिल्कुल अकेले ही सारा उसको कुछ करना होता है हस्बैंड बेचारे वो भी रात में आते हैं थक हार के जैसे तो और जिस दिन छुट्टी का दिन होता है वो उनका वैसे ही नॉर्मल डे होता है जो होता है लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम लोग थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं और भी कई पेरेंट्स ऐसे होते होंगे मैं एग्री करती हूँ आप लोग भी एग्री करते होंगे कि जो बच्चों को साथ में ले जाते हैं उनके साथ हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग और क्या क्या यानी करते हैं अपने बच्चों के साथ में और कौन सी वीडियोज़ आप लोग मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मैं उस टाइप की वीडियो बनाया करूँगी तो मुझे बड़ा पसंद आता है कि मैं किसी एक टॉपिक को लेकर के मैं बात करूँ और वो कौन सी टॉपिक है तो आप लोग मुझसे सुनना चाहते हैं ये मैं आ, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कई बार ऐसा देखा जाता है कि आ, लोग बोलते हैं कि ना वो जैसे कि यूके में रहते हैं ऐसा है अरे आपके तो मज़े हैं ये है हर कंट्री का जो है ना एक अपना उसूल होता है अगर आप अपने उसूल पे अपनी जिम्मेदारियां अगर आप सही तरीके से निभाते हैं तो आपके लिए अपनी कंट्री जो है वो अपनी ही लगेगी ये मेरा मानना है कई ऐसे आते हैं जो बेचारे जो घर में उनके प्रॉब्लम होती है तो वो कमाने के लिए बाहर की कंट्री में बाहर के मुल्कों में आ जाते हैं तो वो वो अपनी फैमिली भी रखते हैं लेकिन ये ये होता है कि जो दूर से बैठे हुए लोग होते हैं वो कहते हैं ना हम इंग्लिश में कहावत है कि द ग्रास इज़ ग्रीन ऑन दी अदर साइड लेकिन वो जो ग्रास जो ग्रीन है उसको उस वो ग्रीन करने के लिए उस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी ये इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि आप दूसरी साइड पे बैठ के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो यही चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को समझने की होती है जो कुछ लोग समझते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी बस वो ये होता है कि बस आपने जो करना है वो आपकी ज़िम्मेदारी है और जो हमारी है वो हमारी जिम्मेदारी है तो बस यही है कि ज़िंदगी ऐसी चली जाती है लेकिन यह है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें समझना होता है जो हम कभी कभार जो है ना हम उतनी ही बात समझते हैं जो हमारे फ़ायदे की होती है हम सामने वाले का फ़ायदा नहीं देख रहे होते तो ये चीज़ें होती हैं लोग देख रहे होंगे कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं हस्बैंड उन, उन लोगों के साथ वो भी बच्चे बन गए हैं कहते हैं कभी कभी वो भी उस उस स्विंग पे वो भी बैठ गए थे कहते हैं मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो खुशियाँ होती हैं जो पल होते हैं वो हम वो कहते हैं ना संजो के रख देते हैं जो आज असल में उस दिन जब हम लोग गए थे तो उस दिन मौसम भी बड़ा बढ़िया था तो देखें यही चीज़ें होती हैं जो वो कहते हैं ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है या उनसे उनके साथ में कोई कुछ ऐसा हो रहा होता है जो वो फिर अपने पेरेंट्स से खुल के बात कर सकते हैं कई जगहों पर ऐसा होता है कि बच्चे बेचारे जो होते हैं वो कह नहीं पाते अपने पेरेंट्स से क्योंकि वो इतने फ्री नहीं होते हैं तो ये चीज़ें भी होती हैं कि आप बच्चों को जैसे बचपन से एक फ्री माहौल दें ताकि वो बच्चे जो हैं आपसे अपने दिल की हर बात वो करें जैसे आ, हमारे घर में भी यही था हम मेरे मम्मी अब अबू जो हैं दोनों बहुत फ्रेंडली नेचर के थे और उन्होंने उन्होंने हमें हर चीज़ की आ, किसी चीज़ की कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई उन्होंने कहा जिसमें तुम्हें पढ़ना है जिसमें तुम्हें जो कोर्स करना है जो आपने करना है वो आप कर सकते हो बस यही चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को फिर आप जब आप यानी कम्युनिकेट कर सकते हो आपको कोई झिझक नहीं होगी कि नहीं हम ये नहीं कर रहे हम वो नहीं कर रहे तो बस यही चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हो होप आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी अब आपको पता है कि जिस दिन फिर बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो हम पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों के साथ ही पूरा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी फ़ोन को हाथ ना लगाएं और हस्बैंड की बिल्कुल एक स्ट्रिक वार्निंग होती है कि आपने बिल्कुल भी फ़ोन को हाथ नहीं लगाना और पूरा टाइम जो है आपने बच्चों को डेडिकेट करना है तो हम उसी रूल को फॉलो करते हैं तो देखा मैंने कोई भी क्लिप नहीं निकाली है लेकिन जबकि मैंने क्लिप निकाल ली है <laughs> तो यही चीज़ है अब आ गए थे हम लोग जैसे रेस्टोरेंट में शाम के टाइम पे तो हम फिर से वही रेस्टोरेंट में गए मुझे यहाँ की ये यह जो मिर्ची कुजीन है ना मुझे यहाँ की आ, हलीम जो है ना निहारी ये मुझे बहुत पसंद है ख़ास तौर से निहारी जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये रेस्टोरेंट है भी बहुत अच्छी इनकी सर्विस वगैरह भी बहुत अच्छी है तो अगर कोई जो यूके में है और कार्डिफ में रहते हैं तो यहाँ पर यह सिटी रोड पर ज़रूर जाइएगा खाना खाने के बाद में जो है फिर हम लोग आ गए थे एक केक शॉप में वो केक शॉप में सारे इंडियन और पाकिस्तानी जो है ना वो सेवरीज़ और बेकरी आइटम्स ये सारे मिलते हैं तो ये देखें ये कितनी अच्छी और इतनी फ्रेश होती है ना मैं घर पे ला करके उसको आराम से दस पंद्रह दिन भी खाऊँ ना तो ख़त्म नहीं होती तो बहुत मज़े की होती हैं और आराम आराम से वो आप पता है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसको एक एक करके खाओ तो उसमें उसका मज़ा ही कुछ और होता है तो ये देखें ये जो केक रसक है और ये देखें कितनी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे और ये सारी जो है ना वो बिल्कुल फ़्रेश होती हैं हम जब भी यहाँ सिटी रोड जाते हैं तो ये मैं लाजमी ख़रीदती हूँ यहाँ से ये देखिए केक वग़ैरह ये कितने अच्छे और इतने ब्यूटिफुली डेकोरेटेड होते हैं ना कि ये नहीं ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्लीन नीट क्लीन हर चीज़ बिल्कुल साफ सुथरी और कोई गंदगी नहीं कुछ नहीं और जहाँ पे ये चीज़ होती है उनको पता है कि उन, उनको उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी तो ये देखें कितना मज़ेदार सा ये केक था और ये ओरियो केक था वो मुझे और आप लोगों को पता होगा आप लोगों ने कभी मेरे चैनल पर बेकिंग का नहीं देखा तो मैं इतना बेकिंग करती भी नहीं हूँ ना मुझे आती है इतनी फ्रेंकली स्पीकिंग लेकिन ये इतना मज़ेदार होता है ना ये केक एक एक करके भी हम अगर ट्राई करें ना तो वो ख़त्म नहीं होना उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा अपना भी ख्याल रखिए अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़